दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अभी BPSM से जितने भी कार्यपालक सहायक अनियोजित होंगे, 4000 अनियोजित था जिसमें बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम लिया गया था और उसमें 2100 कैंडिडेट पैनल में आए थे और बाकी 2000 ऐसे छात्र थे जो अनक्वालिफाइड हो गए थे। तो वो सब छात्र परेशान थे कि जो अभी एग्ज़ाम लिया गया था बेल्ट्रॉन की ओर से, तो उसमें कीबोर्ड तथा बहुत सारे प्रॉब्लम था जिसके कारण से फेल कर गए थे। तो 2000 कैंडिडेट 2100 के समथिंग पैनल बना है कार्यपालक सहायक, और बाकी जो 2000 बच गए थे, काहे से कि 8000 का पैनल था और 4000 का ज्वाइनिंग करवा के 4000 छोड़ दी गई थी और 2000 फिर से जो है पैनल बना था और 2000 जो बाकी रह गए हैं। तो आप लोग को एक बार फिर से मौका दी जा रही है, BPSM की ओर से फाइनली डेट जारी कर दी गई है। आप लोग फिर से जो है टाइपिंग दे देंगे बेल्ट्रॉन से, अगर आप लोग अब की बार क्वालिफाई होते हैं तो आप लोग को पुनः ज्वाइनिंग फिर से मिलेंगे, ठीक है। जो अभी अनियोजित कार्यपालक सहायक होंगे, आप लोग फेल कर गए थे अब की बार 5/7/2022 को जो एग्ज़ाम लिया गया था, अगर उसमें अगर आप लोग फेल कर गए थे तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से BPSM जो है मौका दिया है बेल्ट्रॉन को एग्ज़ाम लेने के लिए, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब जो है टाइपिंग आप लोग मजबूत कर लीजिए, आप लोग को फिर से टाइपिंग लिया जाएगा। जो भी अभी अनियोजित कार्यपालक सहायक होंगे यहाँ पर समय लेंगे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये लेटर 21/12/2023 को जारी किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि बेल्ट्रॉन के द्वारा दिनांक 5/7/2012 के जगह पे यहाँ पे 2022 होना चाहिए, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। 2022 को आयोजित किए गए दक्षता परीक्षा में मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन MCQ में सफल परंतु टाइपिंग में असफल अभ्यर्थियों को रीटाइपिंग का अवसर दिए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर उचित कार्यवाही करने के संबंध में यहाँ पे देखेंगे साफ तौर पे जानकारी दी गई है। उपयुक्त विषय बेल्ट्रॉन के द्वारा अनियोजित कार्यपालक सहायक के दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन MCQ के साथ ही टाइपिंग परीक्षा ली गई थी तथा उक्त के आधार पर बेल्ट्रॉन द्वारा सफल अभ्यर्थियों का परिणाम परीक्षा फल घोषित करते हुए मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया था। ये बात सही है। और उसमें देखिए जो भी छात्र टाइपिंग में फेल नहीं कर पाए थे तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है। इस कार्यालय को MCQ में उत्तीर्ण होने परंतु टंकन परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण असफल अभ्यर्थियों द्वारा टंकन की परीक्षा पुनः लिए जाने का अनुरोध किया गया है। अपने आवेदन में उनके द्वारा परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए गए कीबोर्ड में खराबी होने का उल्लेख किया गया। और यहाँ पे देखेंगे परीक्षा का आयोजन बेल्ट्रॉन के द्वारा किया गया तथा परीक्षा फल घोषित अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन के पैनल में सम्मिलित किया गया, अतः प्राप्त आवेदनों पर निर्णय बेल्ट्रॉन के द्वारा लिया जाना सचित परिचित होता है। इसमें देखिए जानकारी दी गई है, BPSM ने एक लेटर फॉरवर्ड किया है बेल्ट्रॉन को कि अभी 4000 समथिंग जो स्टूडेंट बाकी थे अनियोजित कार्यपालक सहायक, उसका एग्ज़ाम जो 5/7/2022 को लिया गया था उसमें अभी 2100 के छात्र का पैनल बन चुका है और 2000 ऐसे छात्र हैं जो अभी अनक्वालिफाइड हो गए हैं, जो अनियोजित पहले कार्यपालक सहायक थे लेकिन बीच में झमेला के कारण बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लिए थे। फिर से आप लोग का एक पैनल बनाया गया है 2100 और 2000 स्टूडेंट ऐसे है जो फेल कर गए थे टाइपिंग में। तो 2000 छात्रों का कहना है कि कीबोर्ड वहाँ पे ख़राब था जिसके कारण से हम लोग फेल कर गए हैं। तो एक बार फिर से BPSM ने फॉरवर्ड किया है बेल्ट्रॉन के कि जो भी छात्र अभी अनक्वालिफाई है 2000 के समथिंग, उन्हें एक बार और मौका दिया जाए टाइपिंग के लिए ताकि वो सब संतुष्ट हो जाए कि सही में आप लोग कीबोर्ड खराबी की वजह से या आप अपने में सक्षम नहीं थे। तो एक बार फिर से आप लोग को मौका दी जा रही है। जो भी अभी अनियोजित 2000 कार्यपालक सहायक होंगे आप लोग ध्यान में रख लीजिए, 2000 कार्यपालक सहायक जो भी होंगे आप लोग को एक बार फिर से मौका दी जा रही है। तो तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाएंगे। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट छूटना नहीं चाहिए। आप लोग को टाइपिंग के लिए नोटिस बहुत जल्द आ जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग को कौन सी सॉफ्टवेयर पे हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग करना है इसके रिगार्डिंग भी हम काफ़ी सारे वीडियो में बता चुके हैं, फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुके हैं JR सॉफ्टवेयर, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो आप लोग आसानी से हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग कर सकते हैं। रेमिंगटन जेल 25 का हिंदी में और इंग्लिश का जो है आपको 30 का स्पीड, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जल्द ही आप लोग को टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आप लोग टाइपिंग में सफल होते हैं तो आप लोग को मेरिट लिस्ट में ले लिया जाएगा। आप लोग MCQ में जो भी सफल है और टाइपिंग में फेल कर गए थे तो आप लोग को टाइपिंग फिर से लिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जानकारी थी आप लोग का, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग ध्यान में रख लीजिए, 2000 कार्यपालक सहायक जो भी होंगे आप लोग को एक बार फिर से मौका दी जा रही है।
तो तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाएंगे। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट छूटना नहीं चाहिए। आप लोग को टाइपिंग के लिए नोटिस बहुत जल्द आ जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग को कौन सी सॉफ्टवेयर पे हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग करना है इसके रिगार्डिंग भी हम काफ़ी सारे वीडियो में बता चुके हैं, फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुके हैं, JR सॉफ्टवेयर। आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो आप लोग आसानी से हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग कर सकते हैं। रेमिंगटन जेल 25 का हिंदी में और इंग्लिश का जो है आपको 30 का स्पीड, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जल्द ही आप लोग को टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अगर आप लोग टाइपिंग में सफल होते हैं तो आप लोग को मेरिट लिस्ट में ले लिया जाएगा। आप लोग MCQ में जो भी सफल है और टाइपिंग में फेल कर गए थे तो आप लोग को टाइपिंग फिर से लिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जानकारी थी आप लोग का, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।